पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो ट्राई करना स्टार्ट कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। देखते हैं कितने लोग आसानी से आंसर देते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। टाइम एंड वर्क का सवाल है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क। क्या लिखा हुआ है? अमित और भूषण मिलकर किसी काम को 13 दिन में करते हैं। कौन कौन? अमित और भूषण, ये मिलकर कितने दिन में? 13 दिन में। जबकि अमित अकेले करता है तो केवल 39 डेज में ये फिनिश कर देता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। बेटा ट्राई करते जाओ और आंसर बताते जाना। 13 और 39 एलसीएम लेंगे तो 39 आएगा। अगर हम पर डे क्षमता निकालें तो 3 और ये 1 होगी। इसका मतलब अगर अमित की क्षमता 1 घटा देंगे तो भूषण की जो क्षमता होगी वो पर डे 2 बचेगी। ये बात तो आप समझते होंगे। अब कंडीशन क्या है उस पर ध्यान देते हैं। कंडीशन है कि अमित और भूषण दोनों ने काम करना प्रारंभ किया, 6 दिन तक एक साथ काम किया। दोनों पर डे 3 काम करते हैं, इसका मतलब 6 दिन में उनके द्वारा किया गया काम 18 होगा कि नहीं? कुल काम क्या है? 39। काम बचा कितना? 21। 18 हो चुका, 39 कुल था। इसके बाद हुआ क्या, अमित ने काम करना बंद कर दिया। मींस इस काम को कौन करेगा? भूषण करेगा। भूषण पर डे कितना करता है? 2 काम करता है। काम कितना बाकी है अभी? केवल 21 बाकी है। इसका मतलब 21/2 भूषण शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? तो आंसर होगा 10.5। ऑप्शन के अकॉर्डिंग नन ऑफ दीज पे लगाएंगे। सो क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है। नेक्स्ट चलिए ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। बहुत ही जरूरी सवाल है और मेंसुरेशन का है, और कभी कभी मेंसुरेशन के 3D से एक सवाल पूछा जाता है, तो मैं स्पेशली यहां पे मेंसुरेशन का 3D का सवाल है जिसमें क्यूबॉइड की बात हो रही है, घनाप की। और आपको पता होना चाहिए कि इसके क्यूब, जो क्यूबॉइड होता है उसका जो डायगोनल होगा वो यहां पे दिया है 2√217। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बताना क्या है? आयतन बताना है। डायगोनल आपको पता है 2√217। जब ये रूट हटेगा तो बचेगा क्या? एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा। रूट हटेगा तो केवल 217 आएगा। एल बी एच में जो अनुपात है वो 9:6:10 है, तो 9 का 81 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 6 का 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 10 का 100 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 100 एक्स स्क्वायर, और 4 × 217। इसका मतलब क्या है? अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो 81, 36 और 100 217 आएगा, जो कि कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई, तो x बराबर 2 आएगा कि नहीं? अब अगर x बराबर 2 आ गया तो पूछा क्या गया है? आयतन। आयतन क्या होता है? l इंटू बी इंटू एच, एल बी एच होता है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई ये हमारे लिए क्या होगा? 9 × 6 = 54 दाहम 540, और एक्स क्यूब, क्योंकि 9x, 6x, 10x, तो x क्यूब, x के मान 2 है, 2 का क्यूब क्या होगा? 8, 0 हो जाएगा, 8 × 32 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और 3 = 43 हो जाएगा। तो सारे लोग गलत कर रहे हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्या क्लियर हुआ? समझिएगा, सी और बी नहीं होगा, 4320 फर्स्ट आंसर क्लियर है। सभी लोग समझ गए? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है तो थम्स अप दीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। सवाल दमदार, देखो क्या लिखा हुआ है। कार और बाइक की जो स्पीड है वो 5:4 में है,
और बाइक और एक्टिवा की जो स्पीड है वो 6:5 है, मींस कार और बाइक 5:4 है, बाइक और एक्टिवा 6:5 में है, मींस बाइक दोनों में सेम होना चाहिए। तो ऊपर गुणा कर लेते हैं 3 से, नीचे कर लेते हैं 2 से, इससे फायदा क्या होगा, ये 15 होगा, ये 12 होगा, ये 12 होगा और ये 10 होगा। तो जब कार बाइक और एक्टिवा का रेशियो मिला के लिखेंगे तो क्या कहेंगे भाई, 15, 12, 10, यहां तक तो समझ आ रही होगी बात। अब बात आती है कि एक्टिवा 10 घंटे में 320 किलोमीटर तय करती है, मींस एक्टिवा की स्पीड क्या कहलाएगी, 32 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ आ रही होगी, क्योंकि 320 किलोमीटर 10 घंटे में, तो एक घंटे में कितना, 32 किलोमीटर पर आवर। अब जरा बताइए, एक्टिवा 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तो कार द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, मींस कार की स्पीड पहले निकालनी होगी। तो जो एक्टिवा है वो 32 है और 32 अनुपात में किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो अगर हम 15 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 5 का 3 गुना, 5 का 2 गुना, 2 से 16, 16 का 3 गुना, 48। मींस अगर एक्टिवा की स्पीड 32 है तो उसका 10 से 15 डेढ़ गुना है, तो कार की जो स्पीड होगी वो 48 आ जाएगी। 32 का डेढ़ गुना 48 होता है, यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब कार को 300 किलोमीटर तय करना है और 48 की चाल है, कितना समय लगेगा, एक बात तो ये, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। इसके अलावा एक और बात लिखी गई है कि एवरी 50 किलोमीटर के बाद 20 मिनट का रेस्ट भी होना है। इसका मतलब 300 किलोमीटर में कितनी बार रुकेगी गाड़ी, 6 बार, 50 50 50 300। लेकिन ध्यान दीजिए, जो छठी बार है वो रेस्ट नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि 300 किलोमीटर आप पहुंच जाएंगे, तो जब आप छठी बार में 300 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे तो वो रेस्ट नहीं माना जाएगा। मतलब रेस्ट केवल 5 बार माना जाएगा, 5 बार रेस्ट होगा और 20 मिनट का रेस्ट है, इसका मतलब है कुल मिनट हो गए रेस्ट वाले कितने, 100। क्या 100 मिनट आ गए रेस्ट वाले। अब जरा बताइए, 300 बटे 48 तो करना ही है, प्लस उसमें से 100 मिनट और जोड़ना है। तो पहले हम जरा देखते हैं 300 बटे 48 क्या होता है। तो 300 बटे अगर 48 करेंगे तो क्या एग्जैक्टली डिवाइड होगा, अगर एग्जैक्टली नहीं डिवाइड होगा तो कितनी बार जाएगा, 4×6 24, 6 बार जा सकता है क्या, 6×48 24 और 4×28, बिल्कुल 6 बार जाएगा। इसका मतलब है अगर हम 6 बार ले जाते तो 6×48 6×24 और 4×28 288 हो जाता, 12/48 मतलब 1/4। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, 6 घंटे 15 मिनट ये वाले, 100 मिनट और, ध्यान देना 100 मिनट और 15 मिनट, इसका मतलब 115 मिनट और हो गए। 115 मिनट का मतलब 2 घंटे नहीं होता है, मींस एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, नन ऑफ दीज होगा। जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 घंटे 55 मिनट, 7 घंटे 55 मिनट, बात को समझिए, 7 घंटे 55 मिनट, ठीक है। एक सेकेंड, यहां कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, नहीं सही, 288 12 12/48 1/4, बिल्कुल ई आएगा। तो बात को समझिए, हर 50 किलोमीटर के बाद 20 मिनट का आराम है, इसका मतलब 300 किलोमीटर अगर जर्नी तय करनी है तो 6 बार होगा, लेकिन छठी बार वाला स्टॉपेज काउंट नहीं होगा, केवल 5 बार रुकेंगे, तो 20 25 100 मिनट और जोड़ेंगे। क्लियर हुआ सभी का।